बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पंचायत चुनाव में सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के हर जिले में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल के बढ़ते दाम, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के चलते किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से योगी सरकार ने गुंडागर्दी करके अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाई, उसके चलते सीओ सिटी उन्नाव व एसडीएम उन्नाव को सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन, पूर्व सांसद उन्नाव अन्नू टंडन, पूर्व विधायक राम कुमार, जिला प्रभारी डॉक्टर अभिनव कुमार, युवजन सभा के उन्नाव अध्यक्ष आदिल खान, पूर्व नगर महासचिव राहुल अग्निहोत्री ने ज्ञापन दिया। योगी मोदी मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने का प्रयास किया, वैसे ही पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को घेर कर पुतला अपने हाथ में ले लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है के नारे लगाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता व एमएलसी सुनील साजन से न्यूज़ वाला एडिटर सलमान शफीक ने बात की। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना दे रही है। उन्नाव में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। किसान यंत्र महंगे कर दिए, तो किसानों के मुद्दों को लेकर के पिछड़ों का जो आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो चिन्हित करके समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सच दिखाने और सच लिखने पर जो पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है, सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज रुक जाइए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है कि प्रदेश को नंबर वन स्थान मिला है, स्मार्ट सिटी बना दी गई है, पर वो स्मार्ट सिटी कहीं दिख नहीं। प्रदेश को नंबर वन स्थान मिला है कोरोना में मौत का, प्रदेश को नंबर वन स्थान है बेरोजगार कराने का, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है बहन बेटियों के साथ चीर हरण का, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है जहां सड़कों में सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, तो कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, लेकिन जो होर्डिंग लगी है वो जो लिखा है उसमें उत्तर प्रदेश वो नंबर वन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बता दे कौन सा स्मार्ट सिटी बन गई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब से शपथ ली है 4.5 साल से अधिक का समय हो गया, एक अपना काम गिनाने की स्थिति में योगी जी नहीं है। तो क्या है, क्या नंबर वन हुआ है? अपराध नंबर वन हुआ है, उत्पीड़न नंबर वन हुआ है, बेरोजगारी नंबर वन पर बढ़कर के आ गई है, तो यही नंबर वन है जो भाजपा कह रही है। योगी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, टाइमिंग को लेकर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सवाल टाइमिंग का नहीं है, हम कह रहे हैं आप 2017 में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, आपको 324 का इतना बड़ा बहुमत मिला था, आपने अपने संकल्प पत्र में क्या किया? क्या नौजवानों को रोजगार दिया? क्या नौजवानों को लैपटॉप दिए आपने? क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? क्या उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में नई सड़कें कहीं बनी? कोई विश्वविद्यालय बना? कोई मेडिकल कॉलेज बना? एक भी काम नहीं। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब तेजस्वी पंचायत चुनाव हुआ तो जब जनता ने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को मजे की सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली, लेकिन वही जब अध्यक्ष चुनने की बात आई, ब्लॉक प्रमुख चुनने के बाद समाजवादी पिछड़ गई, 75 में से सिर्फ 5 लेकर आई। इसी का तो विरोध है, हम कह रहे हैं कि जब जनता के बीच सभी दल गए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, समाजवादी पार्टी को जनादेश दिया, और उसी के बाद लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया, और बैठकों में क्या तय हुआ कि लोकतंत्र का गला घोट दो लेकिन चुनाव जीत के आओ, भले किसी महिला का चीरहरण करना पड़े लेकिन चुनाव जीत के आओ, भले किसी का पर्चा छीनना पड़े, किसी पर फर्जी मुकदमे लिखने पड़े,
भले सड़क खोदनी पड़े, घर गिराना पड़े या पत्रकार को पीटना पड़े, लेकिन चुनाव जीत गया। चुनाव में जिस तरह से आपकी हार हुई, आपके प्रत्याशी तक बैठना पड़ गया, उसको निकालना पड़ गया, उसको निकल जाते हैं। देखिए, हमारी हार नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हारा है, योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। उसी गुंडा तंत्र को हटाने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और ये योगी जी का गुंडा तंत्र 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी, हराएगी और लोकतंत्र स्थापित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के नेता, और साफ तौर पे उन्नाव में कर रहे हैं प्रदर्शन, उसको लेकर इन्होंने ठीकरा फोड़ा है सरकार को लेकर और सरकार की और प्रशासन की भगत को लेकर। फिलहाल इनका ये प्रदर्शन कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लक्ष्य निगम के साथ निर्वाला के लिए सलमान छपी।